आउटडोर फुटेजेस या फिर बी रोल्स का सिनेमैटिक कलर ग्रेडिंग मैंने ऑलरेडी किया है, तो आज कुछ घर के अंदर हो जाए विथ सम लिटिल सीक्रेट्स। तो आज मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे अपने इंडोर फुटेजेस को एक सिनेमैटिक कलर ग्रेड देता हूं फॉर यूट्यूब जनरल टॉकिंग हेड वीडियो पर्पस। और अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझे पसंद है डार्क सेटअप्स, और इस चाहत के ऊपर आज हम रंग चढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें सेट करना है अपने चाहत को कि तुम्हें ब्राइट चाहिए या फिर डार्क, सिंपल चाहिए या फिर कॉम्प्लेक्स। वेल, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाऊंगा क्योंकि उस पर लाइफ अपना काम कर रहा है, इसीलिए थोड़ा मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करके हम कलर ग्रेड करेंगे ताकि सबका काम आए। जैसे मेरा लाइटिंग सेटअप वाली वीडियो, जो देख के तुम बहुत इजीली ऐसा सेटअप या फिर इससे भी बेहतर सेटअप बना सकते हो विद ग्रेट लाइटिंग, विच इज द की पार्ट जिसके ऊपर हम डालेंगे रंग। आई ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक करेक्शन। तुम मोटिवेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, और वाइट बैलेंस को मैं अपने हिसाब से ठीक करता हूँ। कभी मुझे लगता है कि अगर ब्लू इस टाइप का ज्यादा चाहिए तो मैं ब्लू साइड करता हूँ, अगर कभी चाहिए कि वार्म साइड ज्यादा चाहिए तो मैं वार्म करता हूँ, क्योंकि मुझे एक डार्क थ्रिलिंग सिनेमैटिक टोन चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा ग्रीन साइड में शिफ्ट करूंगा, लेकिन बहुत सटल। बट याद रखना, जो तुम्हारा ओरिजिनल फ्रेम है, जो तुमने कैमरा और लाइटिंग पे जो आ रहा है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अनलेस यू आर शूटिंग ऑन ए रेड और एरियल एक्सा। इसके बाद जैसे मैंने बोला था, फॉर ए डार्क फील आई ऑलवेज डिक्रीज द वाइट एंड द हाईलाइट पार्ट। इन दोनों का एक और सीक्रेट है, इसे डिक्रीज करने से चेहरे के ऊपर जो हर्श हाईलाइट वाला सेक्शन होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और वो फिल्म सिनेमैटिक वाला फील आ जाता है। जिसके बाद मैं क्रिएटिव सेक्शन से सिर्फ वाइब्रेंस को थोड़ा इंक्रीज करूंगा। तो सैचुरेशन क्यों नहीं, क्योंकि सैचुरेशन ना फ्रेम्स की सारे कलर्स को इफेक्ट करता है, चाहे वो डार्क हो ब्राइट हो, इन एन ऑड वे। और वाइब्रेंस सिर्फ वार्म्थ कलर जो होता है ना उसको इफेक्ट करता है, जिसके ऊपर लाइट सबसे ज्यादा है उसको इफेक्ट करता है, ग्रेट फॉर स्किन टोन्स। अब चाहिए कॉन्ट्रास्ट, यहाँ से नहीं कर्व्स से। कर्व्स को लेकर हमने आंटियो वाली गॉसिप एक और वीडियो में किया है, बट इसके लिए जस्ट एक सिंपल एस्कर्ब। बट प्लीज लुमेट्रीस्कोप पे नजर रखना, किसी भी पॉइंट पे 100 या फिर 0 को टच नहीं होना चाहिए, अनलेस ही ओवर एक्सपोज या फिर अंडर एक्सपोज हो जाएगा। सो आई एम क्रिएटिंग ए टाइनी एस्कर्ब टू क्रिएट दैट रियलिस्टिक कॉन्ट्रास्ट, और ब्लैक पॉइंट को थोड़ा ऊपर कर दूंगा टू क्रिएट दैट मैट फिनिश लुक, जिसके नीचे आता है ये सारे कलर्स को तंग करने वाली HSL कर्व्स। और ये टूल्स ना हर एप्लीकेशन में अलग अलग है, DaVinci Resolve में अलग, फाइनल कट में अलग, मोबाइल के लिए कोलोरो या फिर काइनमास्टर में अलग, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, कलर्स को चेंज करना, उसी को हमें समझना है। जैसे मुझे इस ब्लू कलर उतना डार्क ब्लू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ा टील। तो जस्ट नीचे ह्यू वर्सेस ह्यू कर्व से मैं ब्लू से ग्रीन वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और थोड़ा टील के साइड उसे कर दूंगा, ताकि थोड़ा सॉफ्ट ट्रांजिशन आ जाए एंड कलर चेंज नेचुरली हो। बाकी कोई भी कर्व्स मुझे इस पे नहीं चाहिए। ह्यू वर्सेस सैचुरेशन कर्व, किसी भी कलर्स की सैचुरेशन चेंज करना नहीं चाहिए। ह्यू वर्सेस ल्यूमा कर्व, किसी भी कलर्स की ब्राइटनेस को चेंज करना नहीं चाहिए। ल्यूमा वर्सेस सैट या फिर सैट वर्सेस सैट, लाइट पार्ट या फिर कोई भी सैचुरेशन पार्ट के हिसाब से लाइट की सैचुरेशन नहीं चाहिए। उसके नीचे कलर व्हील्स एंड मैच, यही हमें चाहिए, बेहद चाहिए, यही है हमारी पिचकारी। अगर तुम मोबाइल फुटेज या फिर 8-bit कैमरा फुटेज का कलर ग्रेड कर रहे हो, तो द सीक्रेट इज इन तीनों व्हील्स को छेड़छाड़ बहुत कम करना, यूज इट इन ए वेरी सटल वे। वेल, दिस इज नॉट अ सीक्रेट, दिस इज कंपलसरी, अनलेस तुम्हें सीधी साधी छोड़ी को शराबी करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द शेडोज। शेडोज पे बहुत ध्यान से कलर्स को चूज करना। सब टील कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी टील मार देंगे। अपने फुटेज को देखो, नोटिस करो, वाइट बैलेंस किस साइड पे है, कलर टेम्परेचर किस साइड पे है। आउटडोर फुटेजेस में शेडोज पे टील अच्छा लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ये कोई 5 सेकंड का बी रोल्स नहीं है, आर्टिस्टिक शॉट नहीं है, म्यूजिक वीडियो नहीं है, ये है टॉकिंग हेड जो लोग लंबे समय तक देखेंगे। एंड माई प्रेफरेंस इज नेचुरल लुकिंग कलर्स बट विथ अ सिनेमैटिक टच। सो शेडो पे मैं ज्यादा टील साइड पे नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर अ लिटिल ब्लू टू पर्पल, जिसका भी सैचुरेशन बहुत कम। देखो, लाइटिंग एंड एक्सपोजर अगर तुम्हारा प्रॉपर है ना, तो मिड टोन्स को पहले ही ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फील लाने का मेन सीक्रेट है हाईलाइट्स, जिसपे तुम एक्चुअली कलर ऐड करके पूरा सीन का फील चेंज कर सकते हो। तो इस सेटअप के लिए मुझे थोड़ा ग्रीनिश टू येलो टाइप का हाईलाइट चाहिए, ताकि जो ओरिजिनल लाइटिंग सेटअप है उसका सिमिलर भी हो और थोड़ा थ्रिल सिनेमैटिक भी लगे। सो आई एम चूजिंग ए कलर लाइक दिस। एक सीक्रेट,
ये जो हाइलाइट्स का ल्यूमिनेंस या फिर ब्राइटनेस है ना, इसे मैं थोड़ा कम करके मिड टोन्स का जो ब्राइटनेस होता है उसे मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। इससे क्या होता है, स्किन टोन या फिर फेस का ब्राइटनेस थोड़ा इंक्रीज होता है और ओवरऑल लाइटिंग और भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, सिनेमैटिक फील। इसके बाद मैं सिर्फ दो चीज करता हूँ, पहला टोटल फुटेज से फोकस सब्जेक्ट पे लाना और दूसरा तुम्हें एक चीज बताना, फोकस कैसे लाया जाए इसका भी मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया है। उसी वीडियो के सिमिलरली यहाँ पे भी मैं दोनों साइड पे जहाँ पे प्रैक्टिकल लाइट्स नहीं है उन साइड को मैं थोड़ा डार्क एंड ब्लर करूंगा। तो इसके लिए सीधा चले जाओ इफेक्ट्स कंट्रोल पे, फिर जो लुमेट्री वाला सेक्शन बना है ना पहले कलर ग्रेडिंग पे उसको डुप्लीकेट करो, फिर उसको रीसेट करो बाय प्रेसिंग दिस आइकन, देन सिलेक्ट अ मास्क और इसको अपने हिसाब से सेट करके इंक्रीज करके एक्सपोजर को थोड़ा एंड शार्पनेस को पूरा डिक्रीज करके मैं उस जगह पे प्लेस करूंगा जहां पे मुझे फोकस बहुत कम चाहिए, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट टेक्निक सब्जेक्ट के ऊपर फॉर ब्राइट एंड अ लिटिल बिट बट बहुत सटल फॉर दैट फाइनल फोकस। सिर्फ सब्जेक्ट पे ही नहीं, उस दूसरी चीज पे भी जो मुझे तुम्हें बताना है कि नेक्स्ट वीक कोई वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक मैं रास्ते पे हूँ, सम ट्रैवल ए लिटिल ट्रिप, मंडे तक मैं वापस आ जाऊंगा, उसके बाद आएगा कुछ मजेदार चीजें कुछ दिन बाद, बट बाहर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों का कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर सकता। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ दोज डेडिकेटेड कमेंट्स, जो तुम लोग डेडिकेटेड कमेंट करके मुझे बताते हो कैसा लगा, आई विल रिप्लाई टू मोस्ट ऑफ देम, आई विल ट्राई, यू नो आई डू, बट ऑलवेज रिमेंबर टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्रेस द कलर्स और इमोशंस, वरना लट होते रह जाओगे हमेशा। फ्री एंड चीप।